तो आज ना भाई आपको फ्रोंक्स का ड्राइव रिव्यू दूंगा, और जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ना ये टर्बो इंजन के साथ में और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। जैसे आप इसका टर्बो इंजन लेते हो ना तो वहाँ पे भी आपको दो चॉइसें मिल जाती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन की। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है वो टॉर्क कन्वर्टर के साथ में आ जाएगा, 6-speed गेयरबॉक्स के साथ में। पर जो इसका नेचुरल एस्पिरेटेड वाला इंजन आता है ना 1.2 liter का ड्यूल जेट वाला, वहाँ पे आपको 5-speed गेयरबॉक्स मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में भी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी। जो वहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगा वो AMT वाला आएगा, वो टॉर्क कन्वर्टर उसके अंदर में नहीं आएगा। वो ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हो तो आप चैनल पे देख सकते हो। जो ये अल्फा वेरिएंट है इसका ऑन रोड कॉस्ट करता है 13 lakh rupees मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। जो इसका टर्बो इंजन आता है ना यहाँ पे 99 bhp और 147 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और जैसे इसका टर्बो इंजन का मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो ना तो यहाँ पे 6-speed गेयरबॉक्स नहीं आता है, यहाँ पे 5-speed ही गेयरबॉक्स आता है। अभी थोड़ा सा टूटा फूटा सा पैच है, इससे आगे निकल के बताएंगे भाई कैसी चलती है कैसी नहीं चलती है। बट जितनी अभी तक मैंने चलाई ना भाई गाड़ी चलने में बिल्कुल बढ़िया सी है। और टर्बो इंजन है 3-cylinder वाला आता है ये 1 liter का। इसके अंदर जैसे 1.2 से कंपेयर करोगे तो 19-20 का सही फ़र्क है आवाज़ में। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा सी आवाज़ आ रही है गाड़ी के अंदर में, जैसे रैटलिंग नॉइस हुई गाड़ी के अंदर खड़पड़ फड़पड़ की, वो तो इसके अंदर में से कुछ भी नहीं आती है। वो तो भाई बिल्कुल बढ़िया सी कर रखी है मारुति सुजुकी ने। और ऊपर से टिंटेड ग्लास है तो यहाँ से भी गाड़ी के अंदर से बिल्कुल अच्छा सा कैबिन हो रहा है, क्योंकि धूप का वक्त है ना, धूप में ऐसे टिंटेड ग्लास की वजह से गाड़ी का एसी बहुत ज़्यादा ठंडा करता है। और लो भी चला रखा है बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर पे, और हवा मंदी है। दो रीजन हवा मंदी करने के, एक तो फड़फड़ाएगी और ऊपर से मतलब इतनी ज़रूरत भी नहीं है। एसी का रिस्पॉन्स जो है ना इसका बिल्कुल बढ़िया सा है। धूप के अंदर थोड़ा तो ऐसा ग्लेयर सी होती है पर एज सच इसके अंदर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ORVM में से बिल्कुल ठीक व्यू आ रहा है, और IRVM जो है यहाँ से भी गाड़ी के अंदर में बिल्कुल ठीक सा व्यू आ जाता है इसका। मतलब एक अलग ही सेगमेंट कंपनी ने कर दिया, पर फिर भी करेंगे लोग बाकी क्यों ना मैं ये ले लूं। इसका स्टेयरिंग व्हील ना भाई बहुत ज़्यादा मस्त सा है यार, अपने आप को सेल्फ सेंटरिंग रखने की बहुत अच्छी सी कोशिश करता रहता है। तो यहाँ से बिल्कुल बढ़िया से लगाइए, देखो यहाँ पे पूरा दिखाने में लग रहा है कि इंजन से जा रही है, मोटर भी चल रही है, बैटरी चार्ज हो रही है। 1000 rpm से नीचे से थोड़ा सा हल्का हल्का चलता है, पर जैसे 1500 rpm से ऊपर जाती है ना फिर गाड़ी जो है बिल्कुल बढ़िया सी उठती है भाई। और गियर शिफ्टिंग तो बिल्कुल मस्त है, जैसे नॉर्मल में आती है ना जैसे 1.2 का लोगे तो उसके अंदर भी सेम सी है और इसके अंदर भी बिल्कुल सेम है। पर जैसे इसका 1.2 का AMT ट्रांसमिशन लेते हो ना वहाँ पे भाई लैग है। इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी चला के देखेंगे कि उसके अंदर लैग आता है नहीं आता है। अब यहाँ पे HUD भी दे रखी है, HUD को अगर ओपन करते हैं लॉन्ग प्रेस बटन रखना पड़ता है HUD वाला, और ये ओपन हो जाती है। देखो लो फ्यूल का यहाँ पे दिखाने लग रहा है। अभी शुरुआत में जैसे HUD को चलाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि उलझन सी हो रही है, तो हल्की सी दिक्कत आती है इसमें, बाकी टाइम के साथ साथ में ये सेट हो जाएगी। जो ये वाला गैप है ना IRVM के बीच का और टच स्क्रीन के बीच का, ये हल्का सा कम लगता है। और जो ग्लास है इसका यूँ बिल्कुल टेपर से दे रखा है जैसे बलिनों के अंदर में आता है, पर टाइम के साथ साथ में ये वाले गैप भी एडजस्ट हो जाएगा। जो टेपर वाली चीज़ बता रहा हूँ ना वो भी इसके अंदर में एडजस्ट हो जाएगी। सीटों की चौड़ाई हुई, कुशनिंग हुई, वो तो भाई गाड़ी के अंदर में बिल्कुल बढ़िया से मिल जाती है। अब देखो थर्ड गियर में भी यार क्या मस्त उठ रही है ये भाई। अगर आप 1.2 चलाते हो ना इसका, मान लो 1.2 चलाए और फिर 1 liter चला के देखोगे तो आपको जो इसको 1 liter का इंजन है ना सही में यार इसके अंदर में मजा आता है। इस HUD को अगर बंद ही कर देता हूँ, एक बार इनिशियल पोजीशन से इसको सेकंड गियर में और उठा के देखता हूँ, साइड में कर लिया, बिल्कुल एकदम जीरो पोजीशन कर देते हैं, जीरो की स्पीड होगी और गाड़ी रुकी, सेकंड गियर में डाला मैंने, मतलब हल्का सा तो देखो करना पड़ रहा है मुझे, हल्की सी रेस देनी पड़ रही है। ऐसे नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस देके इस गाड़ी को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं हो रही है। एक और बिल्कुल ही रेस नहीं दें तो ये किया, और नहीं भाई बिल्कुल रेस नहीं दूंगा ना तो बंद ही हो जाएगी। पर भाई उठ बड़ी बढ़िया जाती है यार इनका 1 liter का इंजन ना बहुत बढ़िया है। और आप ऐसे सोचोगे कि टर्बो चार्ज इंजन है 1 liter का तो माइलेज इसके अंदर नहीं मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। कंपनी 21 की माइलेज इसके टर्बो इंजन में क्लेम कर रही है, ऊपर से हाइब्रिड भी इसके अंदर मिल जाता है। फिर वो आप पे डिपेंड करेगा भाई गाड़ी को किस तरीके से और कहाँ पे चला रहे हो। ये आपकी ना 18, 19, 20 तक की भी आपको हाईवेज पे आराम से निकाल के दे देगी।
स्टीयरिंग व्हील तो कसम से बहुत बढ़िया है, और जो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स है या फिर जो इसकी क्लच है वो भी बिल्कुल लाइट सी है इसके अंदर में, वहाँ भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, और डीप भी नहीं है क्लच, ऊपर से यहाँ साइड में पूरा बढ़िया सा स्पेस दिया गया है, तो अपने पैर भी आप आराम से रख सकते हो लॉन्ग ड्राइव पे यहाँ पे जा रहे हो तो, और क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। इसकी जैसे आप बीच में MID है ना, इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो वो यहीं से ही होती है, और गियर भी प्रॉपरली शो करने लग रहे हैं कि आप कौन से गियर में इस गाड़ी को शिफ्ट करो, पर वो वाला नहीं दिखा रहा कि कौन से गियर में फिलहाल चल रही है। देखो थर्ड दिखा रहा था, दो एक सेकंड के लिए दिखाया, अब देखो बस वो नहीं दिखाता कि कौन सी गियर में चल रही है, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट या फिर उसी में ही रोकने का ये दिखाता है। जैसे कंट्रोल्स देखोगे इसके, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हुए, ये कंट्रोल्स हुए या फिर इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हुए, तो वो सब कुछ बढ़िया से इसके अंदर मिल जाता है। यार टर्बो इंजन के अंदर ना सही में बात तो है यार कुछ, आप चला के देखना इसका जरूर, टर्बो इंजन बहुत मस्त है। और इसमें कंपनी ने ये कर दिया कि जेटा और अल्फा जो इसके ऊपर वाले दो वेरिएंट हैं, तो आपको टर्बो इंजन ही लेना पड़ेगा, पर उससे नीचे जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट है वहाँ पे दो चॉइसें मिल जाएंगी, चाहे तो आप टर्बो इंजन ले लो और चाहे 1.2 लीटर का इंजन भी ले सकते हो। स्टीयरिंग व्हील का ना इसका जो फीडबैक है यार बहुत सही से लग रहा है मेरे को, जैसे थोड़ा भी मोड़ रहा हूं तो मतलब बहुत ज़्यादा से सेल्फ सेंटरिंग है इसके अंदर में, ये चीज़ बहुत बढ़िया, स्टेबल है एकदम में, वाइब्रेशंस तो भाई इसके अंदर में बिल्कुल भी नहीं आती है। टर्बो इंजन है तो ऐसा भी कहीं नहीं हो रहा है कि गाड़ी के अंदर में इंजन नॉइस आ रही हो, देखो आप खुद सुनो थोड़ी सी तो है कंपेरेटिवली 1.2 लीटर से, बट वो 19-20 का सही फर्क है, ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। टायरों की भी हल्की सी आवाज़ है, इतनी तो यूँ है हर एक गाड़ी में आती है, यूँ तो है नहीं कि बिल्कुल ही रोल्स रॉयस से आवाज़ ही नहीं आएगी, थोड़ी बहुत है बस, पर सेकंड गियर में बड़ी अच्छी उठती है। देखो इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा करने की जरूरत पड़ती है, पर ब्रेकर पर से उतारते हैं तो सेकंड गियर में बिल्कुल आराम से ये गाड़ी उठती है। कंपनी ने वो सेफ्टी फीचर भी कर दिया, मान लो ड्राइवर और पैसेंजर इसमें बैठे हैं तो ठीक है दोनों की सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, पर अगर पीछे भी कोई बैठ गया ना इस गाड़ी के अंदर में तो उसको भी सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, वरना ये टी 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 यूं ही करती रहेगी। बजट बैठता है तो टर्बो इंजन को ये कंसिडर करना भाई। और एक और चीज है, जैसे जो ब्रेजा है अब 13 लाख की आ रही, तो ब्रेजा का यूं है आपको ZXI वेरिएंट मिल जाएगा, तो लोगों को थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन भी हो जाएगी कि मैं फ्रोंग्स परचेज करूं या फिर ब्रेजा परचेज करूं, क्योंकि वहां पे SUV मिल जाएगी थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर में स्पेस मिल जाएगा, पर जो सेकंड रो का स्पेस है ना वो आपको इस फ्रोंग्स के अंदर ही ज़्यादा मस्त सा मिलता है। जो थोड़े ड्राइविंग एंथुजियास्ट है ना, मान लो जिनको थोड़ा सा भगाना दगाना इन सब चीज़ का शौक है, तो उन लोगों के लिए तो यूँ है जो इसका टर्बो इंजन है वो काफ़ी मस्त सा रहेगा। टिंटेड ग्लास होने के बहुत ज़्यादा फायदे से हो जाते हैं यार, अंदर कैबिन एकदम डार्क डार्क सा रहता है, और इसका बोनेट है ना इतना सा पार्ट दिखता है, सीट मैंने पूरी ऊपर नहीं करा कि सीट अगर और ऊपर करता हूँ पहले भाई, सीट पूरी ऊपर करने के बाद तो और तगड़ी सी पोजीशन आ रही है। जैसे जो ये विंडो है ना साइड वाला, इसमें क्या है ये मुझसे नीचे हो गया तो यहाँ से अच्छा सा व्यू आ रहा है, और जो डैशबोर्ड है ना मैं इससे ऊपर वाली पोजीशन में बैठ चुका हूँ। गाड़ी की स्पीड ना यहाँ 20 की है, और मैं इसको थर्ड गियर में डाल रखा है, थर्ड गियर में क्लच पे से पैर हटा रखा है और यूँ ही एक्सेलरेशन करता हूँ। हल्का सा यूँ हो रहा है कि गाड़ी थोड़ी सी दब रही है, पर बिल्कुल आसानी से उठ जाती है, मतलब हल्का सा होता है, यूँ स्लो स्लो से चलती है एक बार तो फिर यूँ आसानी से उठ जाती है, और 40 की स्पीड में 5वें गियर लगाते हैं तो वही चीज़ यार वो दबने वाली चीज़ आएगी। अब देखो आगे ब्रेकर आ गया, अब मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूँ और थर्ड गियर में उठाता हूँ, 20 से नीचे स्पीड हो गई भाई, थोड़ा सा कांपती जरूर है पर यूँ है गाड़ी बंद नहीं होती है। BHP का अंतर देखोगे तो 10 का ही अंतर है, पर फिर भी यार टर्बो इंजन है बात तो है ही। तो गाइस ठीक है यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।